हाय एवरीवन दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में ये जो टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के अलावा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हॉवर्ड गार्डनर भी जाना जाता है ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बेस्ड एक थ्योरी है अगर आप इस मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस टर्म की बात करें तो ये ज्यादातर देखने को मिलती है आपको सी या फिर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में और ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हॉवर्ड गार्डनर एक जनरल टर्म है जो आपको एग्जामिनेशन में भी मिलेगी तो याद ये रखना है समझ ये लेना है कि मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस वॉज गिवेन बाय हॉवर्ड गार्डनर सो लेट मी अंडरलाइन दिस फॉर यू कि आज हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ये टॉपिक इसी थ्योरी से निकलता है जो दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के बारे में आप जानते ही हैं पहले बहुत वीडियोस में हम बात कर चुके हैं इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग वेल परसीविंग वेल बहुत सारी हमारी जो एबिलिटीज होती हैं उनकी एफिशिएंसी को हमारा इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट करता है तो उन्हीं में से एक थ्योरी है जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी और में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसको हम बोलते हैं फ्रेम्स ऑफ माइंड फ्रेम्स ऑफ माइंड में इस टॉपिक का जिक्र किया था बेसिकली ही वॉन्टेड टू एक्सप्लेन मोर अबाउट इंटेलिजेंस वो कहते थे कि जिस तरह से जनरल फैक्टर इंटेलिजेंस को कंसिडर किया जाता है ऐसा नहीं है इंटेलिजेंस दुनिया में आने के बाद जो बच्चा है वो दुनिया में आने के बाद डिफरेंट इंटेलिजेंस को पोजेस्ट करता है अपने एनवायरमेंट से भी लर्न करता है सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट हॉवर्ड गार्डनर जिन्होंने अपनी ये थ्योरी दी और ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बेस्ड थ्योरी है जिसमें उन्होंने इनिशियली सेवन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की थी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होगा मैं भी आपको बताऊंगी कि ये सेवन से एट कैसे हुए पहले उन्होंने सेवन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे और बाद में खुद ही अपनी थ्योरी में अमेंडमेंट्स किए जैसा कि आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स जो होते हैं वो अपनी एक थ्योरी डेवलप करते हैं और फिर उन्हें उसमें अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं उनको लगता है कि कुछ बदल जाना चाहिए तो वो चेंजेस कर देते हैं तो वहीं से जो नेचुरलिस्टिक है इंटेलिजेंस ये निकला था एक एक करके हम समझेंगे वट आर द एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस और ये कहाँ नजर आते हैं किस तरह से पर्सन में होते हैं कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं ड गार्डनर की थ्योरी में जो एट आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इसमें एक एक करके बात करते हैं जिसमें से जो सबसे ऊपर दो लिखे हुए हैं लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल इन दोनों को हॉवर्ड गार्डनर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और उन्होंने कहा कि पर्सन का जो इंटेलिजेंस है वो सबसे पहले इन दो से ही असेस होता है तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है लिंग्विस्टिक इज कनेक्टेड विद द लैंग्वेज पार्ट लैंग्वेज कि अगर हम बात करें तो आपको ये किस में प्रोफिशियंट नजर आती है लैंग्वेज हमें नजर आती है जो डिफरेंट पोइट्स होते हैं ओरेटर्स होते हैं स्पीकर्स होते हैं एंकर्स होते हैं इनके अंदर हमें लैंग्वेज हाई दिखती है लेकिन लैंग्वेज उनमें भी हाई दिखती है जो राइटर्स होते हैं जो अगर बोलते नहीं भी हैं बट लिखने में फ्लुएंट होते हैं जो वर्ड स्मार्ट होते हैं दे आर वेरी प्रोफिशियंट इन द लैंग्वेज इन द रीडिंग एंड द राइटिंग पार्ट ऐसे सभी लोग जैसे हमारे डिफरेंट पोइट्स हो गए इन्हें हम किस कैटेगरी में डालते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में दे आर वेरी हाई इट इज सेड कि जो ये लोग होते हैं दे आर वेरी हाई इन द लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अब हम बात करते हैं कि जब इन्होंने ये कहा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटेलिजेंस का और इसकी हेल्प से हम असेस कर पाते हैं कि कोई भी पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होगा आप देखिए हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं हमारा जो बात करने का तरीका होता है सबसे पहले अगर हम किसी से बात करें तो अदर देन योर अपियरेंस यही एक ऐसी चीज है जो दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट करती है तो जितना अट्रैक्टिव वे में आप किसी पर्सन से बात करेंगे जितना स्मार्ट आपका वर्ड सेलेक्शन होगा जितना ब्यूटीफुली अपने वर्ड्स को आप नैरेट कर पाएंगे जितना लॉजिकली स्मार्टली आप अपने मैसेज को कन्वे कर पाएंगे वो सब आपके लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का पार्ट है और डेफिनेटली ये दूसरों दूसरे जो लोग होते हैं उनको अट्रैक्ट करता ही करता है तो कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इज एक्चुअली रियली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर दूसरी वो बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की जब एक बच्चा छोटा होता है तभी से उसकी कैलकुलेशन स्पीड अप करने के लिए उसकी न्यूमेरिकल एक्यूरेसी के लिए उसको बहुत बूस्ट किया जाता है आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनकी और किसी सब्जेक्ट की क्लासेस कोचिंग्स लगाएं ना लगाएं या फिर स्पेशल क्लासेस उनको दें या ना दें बट मैथ्स पे जरूर ध्यान देते हैं ऐसा आप नोटिस कीजिएगा अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं किया है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो भी लोग मैथमेटिक्स में हाई होते हैं अब मैथमेटिक्स का मतलब यहाँ पे लॉजिकल मैथमेटिक्स में दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती है लॉजिक एंड मैथ्स यानी साइंस भी इंक्लूडेड है जो साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्चर्स होते हैं ये सब क्या वर्क करते हैं ये दे वर्क ऑन द एक्यूरेसी द लॉजिक्स द डिफरेंट फिन डिफरेंट स्टैट्स तो जितने भी लोग होते हैं जो रिसर्च की फील्ड में वर्क करते हैं स्टैट्स की फील्ड में वर्क करते हैं या फिर साइंटिस्ट होते हैं नॉवेल प्राइज विनर्स जो होते हैं वो सब लॉजिकल मैथमेटिकल में हाई होते हैं बट ये तो मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे दिए जो बहुत ज्यादा हायर ऑर्डर लेवल के हो गए अमंग द कॉमन पीपल जो लोग मैथमेटिक्स में बहुत प्रोफिशेंसी रखते हैं जिसमें कि वो कम टाइम में किसी क्वेश्चन को कर पाते हैं बहुत ही कम टाइम के अंदर अच्छे अच्छे सोल्यूशन प्रॉब्लम के प्रोवाइड करा पाते हैं मल्टीपल सोल्यूशन प्रोवाइड करा पाते हैं ऐसे पर्सन को लॉजिकल मैथमेटिकल पर हाई कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर अब हम इन दोनों को कंबाइंड समझने की कोशिश करते हैं किसी भी पर्सन में जब हम ये दो फैक्टर देखते हैं तो हॉवर्ड गार्डनर ये कहते हैं कि दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट दे आर कंसिडर टू बी वेरी इंटेलिजेंट ओनली बिकॉज दे शो वेरी गुड प्रोफेशन इन द लैंग्वेज

न्यूमेरिकल एबिलिटी एक्यूरेसी स्पीड द लेसर द टाइम दे हैव टेकन ये सारी चीजें मैटर करती हैं लॉजिकल मैथमेटिकल में ऑल्सो द लॉजिक यूजिंग द यूजिंग थिंकिंग मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम थिंकिंग लॉजिकली क्रिटिकल थिंकिंग डिफ्रेंशिएशन ऑल दीज थिंग्स कम अंडर लॉजिकल मैथमेटिकल सो ये हमारी बहुत ही रेगुलर लाइफ से जुड़ी हुई दोनों टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है जिन्हें हम यूज करते हैं अब हम बात करते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस की स्पेस का स्पेशल इंटेलिजेंस जो टर्म है वो स्पेस से बना है स्पेस स्पेस और space की मीन्स हम डिफरेंट डायमेंशन में चीजों को कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं अगर आप एक पायलट को देखें या जो पर्सन एरोप्लेन लेके चलते हैं वो कैसे उन चीजों को विजुलाइज करते हैं और ऑब्वियसली दे आर वेल ट्रेन फॉर इट बट उन्हें कहीं ना कहीं और लोगों से ज्यादा स्पेस की नॉलेज होती है इसीलिए वो जो एविएशन की फील्ड है वो चूज करते हैं एंड नॉट एवरी तो स्पेशल इंटेलिजेंस ये दिखाता है कि जब हम चीजों को थ्री में विजुअलाइज करने की कैपेसिटी बिल्ड कर पाते हैं जैसे डिफरेंट सेलर्स हो गए जो बोट लेके चलते हैं शिप्स लेके चलते हैं एरोप्लेन लेके चलते हैं जो डिफरेंट आर्किटेक्ट्स होते हैं आर्किटेक्ट्स देखिए मैप बनाते हैं राइट बट दे डू नॉट हैव एनीथिंग ऑन द ग्राउंड जस्ट एक लैंड होता है वो तो दे कैन इवन विजुअलाइज इन देर माइंड बट एवरीथिंग दे विजुअलाइज दे

दे जस्ट यू नो इट्स इट्स वेरी फन काइंड ऑफ थिंग लगता है हमको कि वो इजिली कर लेते हैं बट इट्स एक्चुअली वेरी क्रिटिकल बट दे समाउ डू इट सो परफेक्टली कि कोई भी सर्जरी जो है वो आपको सक्सेसफुल नजर आती है तो वो भी कहीं ना कहीं स्पेस को अंडरस्टैंड uh, करते हैं कि किस तरह से वो अपनी सर्जरी में कैसे कट करेंगे या कैसे किस चीजों को वर्क करेंगे तो स्पेशल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दर्जन कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज बॉडिली कैनास्थेटिक बॉडीली कैनास्टेटिक का मतलब होता है आप अपनी बॉडी को कितना फ्लेक्सिबल कितना इजीली मूव करा सकते हैं अब जब मैंने ऐसा बोला है तो आपके माइंड में डांस आया होगा डेफिनेटली आना भी चाहिए जब हम डांस करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत सारा मोशन करती है मूवमेंट करती है और बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से कर पाती है तो बॉडीली कैनास्थेटिक के अंदर डांसर्स आते हैं इसके अलावा जो जिम में वर्क करते हैं अगर आप खुद जिम में जाके एक्सरसाइज इजीली कर पाते हैं चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं या फिर जिम ट्रेनर्स जो हो गए दे आर वेरी वेरी गुड एट बॉडीली कैनास्थेटिक तो अभी हमारे बॉडीली कैनास्थेटिक में सर्जन भी आते हैं एंड दिस इज द कॉमन क्वेश्चन आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि जो हमारे सर्जन है वो स्पेशल में भी आते हैं और बॉडीली कैनास्थेटिक में भी आते हैं उसका रीजन ये है कि हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे जरूरत होती है हाथों को हाथों को या फिर अपना आई कांटेक्ट भी या फिर बॉडी मूवमेंट भी किस तरह से करना है जो पूरी सर्जरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और स्पेस को विजुलाइज करते हुए होता है तो सर्जन जो होते हैं वो स्पेशल और बॉडीली कैनास्थेटिक दोनों की कैटेगरी में आते हैं कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में जो है थोड़ा ट्रिकी हो जाता है अब जो पढ़ के जाते हैं जिन्हें अच्छे से पता होता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बट जिन्हें नहीं पता होता है तो वो कभी कभी कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन को बड़ा नॉर्मली गलत कर देते हैं सो नॉट अ बिग डील आप तो जान ही चुके हैं कि अब आप आपको क्या करना है कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस में जो म्यूजिक की रिदिम को समझते हैं Uh, उसकी बीट्स को समझते हैं म्यूजिक का सेंस जिनके अंदर होता है अपने uh, कुछ रियलिटी शोज या इस तरीके के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह जरूर देखे होंगे जहाँ पे जज जो होते हैं वो ऑब्वियसली उसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो लोग जरा सा भी गलत गाते हैं वो एकदम से रोक देते हैं हम शायद वो चीज़ परसीव नहीं कर पाते बट वो लोग कर लेते हैं उसका रीज़न ये है कि दे आर वेरी हाई ऑन म्यूजिकल इंटेलिजेंस तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि दे हैव द नॉलेज उनको नॉलेज भी है उनको सेंस है उस उस म्यूजिक का बहुत अच्छे तरीके से सो दे आर वेरी हाई ऑन म्यूजिकल इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस को भी हॉवर्ड गार्डनर एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेट मानते हैं लाइक अदर्स वन तो ये हो गया म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज वेरी सिंपल कि जो म्यूजिक के डिफरेंट फील्ड्स में हाई होते हैं अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर की बात हो रही है इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जो है तो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बॉडीली कैनास्थेटिक में और म्यूजिकल में दोनों में आ सकते हैं ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कुछ कॉमन क्वेश्चन बना देते हैं कि देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है तो उसको अपनी बॉडी को मैनेज करना है बट दे शुड ऑल्सो अ सेंस ऑफ गुड म्यूजिक राइट तो इसी वजह से म्यूजिकल और बॉडीली ली जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनमें होता है बट म्यूजिकल अलोन की अगर हम बात करें तो वो उन्हीं में होता है जो सिंगर्स होते हैं या जो भी म्यूजिक uh, की फील्ड में वर्क करते हैं राइट right? अब हम बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल की ये दोनों भी मैं आपको साथ में जोड़कर समझाने की कोशिश करूंगी बस इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल तक ही हॉवर्ड गार्डनर ने पहले अपने को क्लियर किया था इन द फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस बट बाद में उन्होंने नेचुरलिस्टिक को भी जोड़ दिया तो अभी इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल को समझते हैं ये जो इंट्रा वर्ड है ना ये जुड़ा है सेल्फ से आपको बस ऐसे ही याद रखना है यही एक तरीका है कि इस इंट्रा को आप कैसे याद रखेंगे सेल्फ से और इंटर को आप कैसे याद रखेंगे अदर्स से बस अगर आपने इतना याद रख लिया तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है पर्सनल का तो मतलब समझते हैं ना आप देखिए इंट्रा पर्सनल का मतलब हो गया जब आपको सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग होती है जब आप खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं व्हेन यू आर हाई ऑन सेल्फ स्टीम व्हेन योर कॉन्फिडेंस इज हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस इज हाई व्हेन यू आर एबल टू कंसेप्चुलाइज योर सेल्फ वेन यूर गुड एट सेल्फ कॉन्सेप्ट वेन यू आर वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग योर ओन सेल्फ देन यू आर हाई ऑन इंट्रा पर्सनल इंट्रा अपने खुद के अलावा और किसी का नहीं होता अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं आपका इंट्रा पर्सनल बता रही हूं तो मैं आप एक्चुअली में इंटरपर्सनल पर आ चुकी हूँ इंट्रा तो मेरा खुद का होगा तो समझिएगा इस बात को कि इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस हर पर्सन का खुद का होता है खुद को समझने की जो फीलिंग होती है क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इंटरपर्सनल पे नहीं जा पाएंगे जब तक आपको सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप अदर्स पे कैसे जा सकते हैं तो इंट्रापर्सनल में हाई होते हैं फिलोसोफर्स

बहुत इमोशनली वीक होंगे अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो वो तो अपने क्लाइंट के साथ में रोने लग जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी राइट तो इसीलिए उनका इंट्रा पर्सनल पर हाई होना जरूरी है तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सुपर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो साइकोलॉजी की फील्ड में एज अ साइकोलॉजी आप साइकोलॉजी स्टूडेंट बन जाते हैं तो आपको फिर ये आप इसको ऑटोमेटिकली हाई होते जाते हैं आपको भी नहीं पता चलता आप वो चीजें कब आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं और साथ ही साथ आप हाई हो जाते हैं इंटरपर्सनल पर दूसरों की फीलिंग्स को समझना दूसरों के इमोशंस को समझना दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम की तरह कंसिडर करके समझना क्योंकि अब आप, आप इंटरपर्स इंट्रापर्सनल पर हाई हैं तो इंटरपर्सनल में भी उन चीजों को जोड़ पाएंगे इसमें बहुत सारे लोग आते हैं इंटरपर्सनल में भी वही लोग आते हैं जैसे कि आपके अः डिफरेंट थेरेपिस्ट हो गए दे आर वेरी हाई और इंटरपर्सनल जब तक वो इंटरपर्सनल पे हाई नहीं होंगे दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे ये जितने भी आपके काउंसलर्स uh, हो गए जो भी प्रॉब्लम सॉल्वर काइंड ऑफ पीपल होते हैं वो सब इंटरपर्सनल पर हाई होते हैं राइट तो ये थे हमारे सेवन टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो इनिशियली लिए गए थे लास्ट वन इज ऑल्सो वेरी इजी नेचुरलिस्टिक जो लोग नेचर से लव करते हैं उन्हें नेचुरलिस्टिक की कैटेगरी में रखा जाता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में वो हाई होते हैं नेचर में सभी कुछ आता है जो भी चीजें नेचर का पार्ट है वो सब कुछ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आती हैं जैसे देर आर पीपल हु हैव एक्सट्रीम लव फॉर द पेट्स आप में से भी कुछ लोग होंगे जिन्हें पेट्स बहुत पसंद होंगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो बर्ड्स को रखना पसंद करते हैं या फिर अपने घर में गार्डन को बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं क्योंकि दे आर हाई ऑन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस तो ऐसे सभी लोग जो नेचर के टुवर्ड्स अपने लव को शो करते हैं वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं तो ये थी हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी जो कि इंटेलिजेंस की एक सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी है और आई uh, होप कि ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा इफ यू हैव फाउंड इट यूजफुल देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड विल बी ब्रिंगिंग द क्वेश्चन फॉर यू एंड द लिंक यू विल फाइंड इन दिस्क्रिप्शन बिलोज अगर आपने अभी तक पूरा वीडियो सक्सेसफुल देखा है देन यू शुड गो एंड वॉच दैट प्रैक्टिस सेट सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल एंड इन दै सेक्शन ओनली यू विल गेट टू नो डिफरेंट क्वेश्चन की कैसे इन डिफरेंट इंटेलिजेंस से क्वेश्चन बनते हैं सो आईल सी यू सू इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय